आपके साथ। ये मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट पढ़ रही हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ द कंट्रीज दैट हैव टॉप द रेमिटेंस लिस्ट इन 2020। इंडिया 83.1 ट्रिलियन डॉलर। इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। जी, मैं ये कह रहा हूं कि मिफ्ता इस्माइल के ऊपर सवाल आपने पूछा, जवाब उन्होंने, जस्टिफिकेशन आपने देनी है माइजा, कि मिफ्ता इस्माइल एक तरफ ये कह रहा है और एक तरफ ये कह रहा है। आप हमें अपने फोन में से आर्टिकल पढ़ के बता रही हैं कि इन इलास्टिक इकोनॉमी है हमारी और इलास्टिक इकोनॉमी है हमारी। आप जवाब ये दें कि मिफ्ता इस्माइल दो डिफरेंट बातें क्यों कह रहे हैं, और जो मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं शायद ककान आबासी से अपोजिट बात क्यों कर रहे हैं। जी शर्मिला फारूकी साहब, आप जवाब देना चाह रही थी रेमिटेंसेस का। उन्होंने कंपैरिजन बताया इंडिया के साथ कि वहां 9% डिक्लाइन हुआ। जनाब, मैं, मेरे भाई हैं गिल साहब, मैं इनसे भी गुजारिश करूंगी कि थोड़ा पढ़ के आ जाए करें, क्योंकि सामने वाले भी पढ़े लिखे लोग बैठते हैं आपके साथ। ये मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट पढ़ रही हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ द कंट्रीज दैट हैव टॉप द रेमिटेंस लिस्ट इन 2020। इंडिया 83.1 ट्रिलियन डॉलर। उसके बाद चाइना 59.5, उसके बाद मेक्सिको, फिर फिलीपींस, इजिप्ट एंड देन पाकिस्तान एट 26.1। तो ये जो बात कर रहे हैं ना कि जी ड्रॉप हुआ 9%, नहीं, इस इंडिया इज द हाईएस्ट रेसिपिएंट और सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर हुई। वो आबादी की वजह से है कि उनका सामने वाला बेवकूफ नहीं बैठा। मैं आपको लिंक भेज देती हूँ। मैं सादिया आपको भी लिंक भेज देती हूँ। मैं पीपल्स पार्टी के सेक्रेटेरिएट से फिगर नहीं लेकर आई हूँ। मैं बात कर लूँ, मेरे पास कोई बात नहीं, हो जाता है, कभी कभी गलती हो जाती है फिगर्स में, कोई मसला नहीं। मैं आपकी बहन हूँ, मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ, अगले प्रोग्राम में काम आएगा। दूसरी चीज ये है डिक्लाइन हुआ है। अभी तो आप कह रहे थे 9% ड्रॉप हुई है ना, अभी तो आप ये, मैंने आपको सिर्फ बताया कि कोविड में पूरी दुनिया में डिक्लाइन हुआ है, इंडिया की भी 9% आपने कहा कि इंडिया में तो 9% डिक्लाइन हुआ है। सुना नहीं, शायद ये लैंग्वेज इंडिया इज द हाईएस्ट रेसिपिएंट ऑफ कुछ और ममालिक का भी आपने कहा 9% डिक्लाइन हुआ है, डिक्लाइन इज द हाईएस्ट रेमिटेंस। मैं और बात कर लूं, नाराज होने की बात नहीं है। डिक्लाइन हो जाए तो हाईएस्ट रहेगी वो। मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि उनके ऊपर, मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत ज्यादा है। आप लोग जो ये एक्सपोर्ट्स के ऊपर शादियाने बजा रहे हैं ना, ये एक्सपोर्ट्स आपकी इस वजह से, क्योंकि ग्लोबल ट्रेड जो है वो रिवाइव हुई है पोस्ट कोविड, पहले उस पॉइंट पे रह लीजिए ना। आपकी जो एक्सपोर्ट्स है वो इस वक्त दे स्टैंड एट 22.5 बिलियन डॉलर। साथी मुझे बात नहीं करने दे रहे मेरे भाई ना, सुन लेना फिगर, हौसला तो करें। अच्छा मैं सुन लेना, आप जो एक्सपोर्ट्स शादियाने बजाते हैं शर्मिला, ये ग्लोबल ट्रेड जो रिवाइव हुई है वो एक्सपोर्ट्स में भी, यानी 22.5 बिलियन डॉलर। पीपल्स पार्टी के दौर में 2013 के अंदर हाईएस्ट ट्वेंटी बिलियन डॉलर जवाब का रिकॉर्ड 8 साल में आज तक कोई नहीं तोड़ सका। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि देखिए कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं। जी जी, तो रेमिटेंसेस अच्छा का जवाब दे शहबाज गिल साहब। बड़ी सिंपल सी बात मैं कह रहा हूँ, बड़ी सिंपल सी बात है। एक-एक करके जवाब देने, आवाज नहीं आती। अब बात कर लें आप गिल साहब, लिंक भेज दूं बात को। जी जी, एक तो शर्मिला ने एक बात को मिसअंडरस्टैंड किया और फिर वो री इंटरप्रेट कर रहे हैं। देखिए ये बात समझिए, इंडिया की रेमिटेंसेस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है, 20% डिक्लाइन भी होगा। मैं इसका इसे एग्जाम्पल देता हूँ, हमारी रेमिटेंसेस में डिक्लाइन भी होगा फिर भी हमारी नेपाल से ज्यादा होंगी, क्योंकि हमारी आबादी ज्यादा, हमारे लोग बाहर ज्यादा काम करते हैं। लिस्ट में नाम ऊपर होने से इसका मतलब नहीं कि रेमिटेंसेस बढ़ गई हैं। रेमिटेंस ये कह रही थी कि रेमिटेंसेस पाकिस्तान में इंक्रीज होनी थी कोविड की वजह से, तो मैं इनको बता रहा था कि पूरी दुनिया में कोविड की वजह से रेमिटेंसेस कम हुई हैं। ये मुझे बता रही है 2021 के अंदर ये प्रेडिक्शन है कि ये रेमिटेंसेस दुनिया भर में बशमूल पाकिस्तान के डिक्रीज होंगी। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो दोस्तों भारत की आज़ादी
से अब तक पहली बार भारत ने 600 बिलियन डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंडिया ने क्रॉस किया है, जो कि हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ है। जो कि भारत में आप समझ सकते हो दो तीन तरीके से आता है, एक तो भारत में विदेशी कंपनियां इन्वेस्टमेंट करती हैं एफडीआई के थ्रू, और दूसरा होता है जो भारत के लोग बाहर रहते हैं वो इंडिया में अपने रिश्तेदारों या मतलब इंडिया में पैसे भेजते हैं इनडायरेक्टली, सीधा ये कहते हैं, तो उस वजह से आता है। तो भारत ने पहली बार 600 बिलियन डॉलर क्रॉस किए हैं, और जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों इसी बात की चर्चा पाकिस्तानी मीडिया में हो रही थी। पाकिस्तान में अपोजिशन पार्टी की लीडर जो आप देख रहे हो, वो पाकिस्तान के जो अभी करंट गवर्नमेंट है उनके जो मंत्री हैं शहबाज गिल, उनसे बहस हो गई, और इस बात को लेकर इतनी ज़्यादा बहस हो गई क्योंकि शहबाज गिल पूरी तरह से झूठ बोल रहे थे, और ये झूठ जो अपोजिशन पार्टी की लीडर हैं लेडी जिनको आप स्क्रीन पर देख रहे थे वो पूरी तरह से एक्सपोज कर रही थी। वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मतलब रिपोर्ट है वही सीधे पढ़ने लगी, और उसकी लिंक बोल रही थी कि मैं आपको भेज रही हूँ। तो दोस्तों आपको पता होगा अभी अभी पाकिस्तान की इकोनॉमी एकदम से जो नेगेटिव चल रही थी पॉजिटिव चली गई, जिसको लेकर पाकिस्तान की मतलब कुछ जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट थे वो ये बात करने लगे कि ये कैसे हो सकता है, ये क्वाइट टू इम्पॉसिबल है, मतलब ना यहाँ पे कुछ सब कुछ ठप है, ना धंधा है ना पानी है, यहाँ से लोग छोड़ छोड़ कर बाहर जा रहे हैं वहाँ पर व्यापार करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो ये पाकिस्तान में कैसे हो सकता है। तो ये आप समझ सकते हो दोस्तों ये किस तरीके से टेम्पर्ड करके किया होगा। हालांकि ये जो इस तरीके की बातें इंडिया में भी होती हैं ऑब्वियसली, लेकिन इंडिया में जो मतलब रेटिंग दी जाती है वो बाहर की जो एजेंसियां रहती हैं वो भी रेटिंग देती हैं, तो उन्होंने भी पाकिस्तान को पॉजिटिव में रेटिंग नहीं दी थी, लेकिन पाकिस्तान के जो खुद के लोकल लोगों ने टेम्पर्ड करके बना दी। तो गाइज बेसिकली आप समझ सकते हो इंडिया की हालत तो कोरोना में हुई है ख़राब, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने खुद देखा दो तीन महीने से जिस तरीके से इंडिया में कोरोना फैला और सारे प्लांट बंद थे, इवन अगर प्लांट चालू करने की भी आप कोशिश कर रहे हो तो लेबर काम करने के लिए तैयार नहीं, इतने सारे लोग मरे हैं इस बार, मतलब हर किसी का करीबी जानने वाला मरा। इंडिया में लगभग 3-4 लाख लोग तो ऑफिशियल, मतलब 3-4 लाख लोग, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, इतने लोग तो ऑफिशियल मर गए हैं, अनऑफिशियल जिनको पता ही नहीं है कोविड से मरे हैं, शायद उनको उनने कोविड टेस्ट ही नहीं कराया, अब वो कैसे मरे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं आपको भी पता है, तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग मरे हैं, और इस वजह से इंडिया की इकोनॉमी बहुत नीचे गई है इस समय। मतलब आप समझ रहे हो इंडिया को जो वर्ल्ड बैंक से मतलब रेटिंग की दी गई थी कि 12% के हिसाब से ग्रो करेगा, वो तो टारगेट पूरा होना ही नहीं है जब आपका देश दो तीन महीने के लिए सीधा सीधा बंद है लॉकडाउन में, और अभी भी चालू हो रहा है तो ऐसे रिस्ट्रिक्शन है कि आप देख सकते हो कि पूरी कैपेसिटी के साथ प्रोडक्शन चालू नहीं हुआ है। सॉफ्टवेयर बेंगलोर आप देख सकते हो बेंगलोर पूरा बंद है, और अभी बेंगलोर में केसेस आ रहे हैं, बेंगलोर में वर्क फ्रॉम होम में आपको पता है कितनी प्रोडक्टिविटी मिलती है, प्रोडक्टिविटी आधी से भी आधी हो जाती है, काम नहीं निकलता है। तो गाइस सिचुएशन तो इंडिया की ख़राब हुई है कोरोना की वजह से, इकोनॉमी नीचे गई है, महंगाई भी बढ़ी है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमें पता है कि हम रिकवर कर सकते हैं, हम एक रेस्ट के बाद बहुत तेज़ी से रिकवर करेंगे, ये विश्वास है। तो गाइस ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, अपने विचार जरूर शेयर करें और अपने विचार दें कि इस वीडियो में और क्या इंप्रूवमेंट की जाए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, जय हिंद।